फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख देखने मिला। तो गोल्ड और सिल्वर से शुरू करते हैं। हमने देखा कि M6 गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाइस के करीब के लेवल टेस्ट करने के बाद एक काफ़ी भारी करेक्शन दी है। इसके पहले हमने लगभग 55,000 के ऊपर के स्तरों की बात की थी कि वो हासिल हो सकते हैं। उसके बाद हासिल होने के बाद हमने देखा कि काफ़ी एक बड़ी गिरावट भी देखने मिली। तो दोनों साइड का मूव कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते दिखाई दिया है। इसका कारण यही है कि जो यूक्रेन और रशिया के फ्रंट पे जो भी न्यूज़ आ रहे हैं उस पे रिएक्शन हो रहा है बाज़ार में। काफ़ी हद तक मार्केट जो है डिस्काउंट कर रहा है कि सेफ हेवन बाइंग जो आनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर में वो हमें देखने मिली है। लेकिन बहुत ही ओवरहीटेड होने के बाद जब ये न्यूज़ आया कि थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है कॉम्प्रोमाइज़ की या एक सीज़ फायर की, तो उसके बाद हमें काफ़ी भारी गिरावट खास करके हफ्ते के बीच में देखने मिली और 55,500 के करीब के हाई से लगभग 52,200 तक के भी लोज़ हमने देखे। हालांकि जो हफ्ते का क्लोज़ है वो 52,800 के आसपास देने में गोल्ड कामयाब हुआ है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि 52,200 का लोज अब तक होल्ड कर पाएगा, तब तक एक रिलीफ रैली 53,600 से लेकर 54,300 तक आ सकती है। तो आने वाले हफ्ते में बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। वहीं स्पॉट गोल्ड में ऐसा लगता है कि जो $2,070 के लाइफ टाइम हाई के करीब के लेवल देखे गए थे उसके बाद लगभग $110 की करेक्शन हमने देखी है। इसकी एक करेक्शन यानी इसका एक रिलीफ रैली हमें अगले हफ्ते में दिखाई देगा, जहां पर जो दाम है वो 2010 और उसके बाद एक्सट्रीम केस में 2035 तक प्राइसेस को जाता हुआ देख सकते हैं। तो एक बाइंग ऑन डिप का रुझान हमें देखने मिलेगा अगले हफ्ते में, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पर स्पॉट सिल्वर ने भी $27 के हाइज लगाए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। डोमेस्टिक मार्केट में 73,000 के हाइज देखे गए थे चांदी में, हालांकि जो लोज थे वो उसके बाद 69,000 के थे। क्लोजिंग 70,300 के ऊपर देने में प्राइसेस कामयाब हुई हैं। ऐसा लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है या रिलीफ रैली है ये हमें आगे भी दिखाई देगी और आने वाले हफ्ते में लगभग 71,800 से 72,000 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी बाइंग की रणनीति अडॉप्ट कर सकते हैं। लोअर साइड पर 69,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक कि लेवल होल्ड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप किया जा सकता है। वहीं पर कच्चे तेल में हमने काफ़ी उठापटक देखी। तो जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी वो 8,600 के करीब थी, वहाँ से हमने रैली देकर प्राइजेस को देखा कि 9,996 यानी 10,000 के काफ़ी करीब के ऑल टाइम हाइज बनाए। तो जो पिछले हमारे टारगेट्स थे वो सब मीट हो चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी बड़ी गिरावट देखने मिली, जहां पर 8,000 तक के लेवल भी हमें दिखाई दिए। हफ्ते का क्लोज भी 8,330 के करीब देने में प्राइसेस कामयाब हुई, यानी निचले स्तरों के आसपास ही एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ हफ्ते ने क्लोज दिया है। हालांकि आने वाले हफ्ते में जो रुख रहेगा थोड़ा मिक्स्ड रह सकता है, यानी हफ्ते की शुरुआत में हम देख पाएंगे कि ऊपरी स्तरों के आसपास प्राइसेस हेड कर सकती हैं 8,700 से 8,800 तक, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी रहने की उम्मीद है और डाउनसाइड में ये पॉसिबल है कि हम 7,700 तक के स्तर भी देख पाएँ, यानी सेल ऑन रैलीज या उछाल पे बिकवाली का एक स्ट्रेटजी हम लेके चल सकते हैं। नेचुरल गैस में भी वही दिखाई दिया, जहां पर 402 तक के हाइस हमने देखे और पिछले हफ्ते के जो लोज थे वो करीबन 342 के थे। तो काफ़ी उठापटक का माहौल दिखाई दिया है। ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि 412 के ऊपर जब तक प्राइसेस नहीं जाती तब तक उछाल पे बिकवाली की जा सकती है। डाउनसाइड में 330 से 332 के सपोर्ट हैं, वो दोबारा टेस्ट हो सकते हैं। इमीडिएट तौर पर 375 से 380 के आसपास अगर प्राइसेस मिले तो वहाँ पर बिकवाली करके 335 से 330 के क्लोजिंग बेसिस के टारगेट लिए जा सकते हैं। जहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी वॉलेटिलिटी देखी गई थी वो बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर हमने देखा कि निकल में लगभग 2 ही दिनों में प्राइसेस 3 गुना हो चुकी थी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार या LME पर। भारतीय बाज़ारों में भी हमने देखा कि 2000 से लेकर 5600 तक के स्तर देखे गए थे और ऐसी मूवमेंट निकल के बाज़ार में कभी नहीं देखी गई है। पिछले जो लाइफ टाइम हाई थे वो करीबन 2700 के करीब थे, वो आराम से हमने देखा ब्रीच होते हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी $54,000 के जो हाइस थे वो ब्रीच होकर लगभग $101,000 के हाइस निकल में प्रति टन के लेवल हमें देखने मिले हैं। तो फिलहाल
निकिल में मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग अवॉइड की जाए, क्योंकि LME पे भी सस्पेंडेड है ट्रेडिंग, और जब तक वहाँ पर दोबारा लिक्विडिटी नहीं आती, और डोमेस्टिक मार्केट में भी जब तक 20 से 30 रुपए की जो दिन की मूवमेंट ही जब तक नहीं होता, तब तक एक बार रिटेल ट्रेडर्स को अवॉइड करना चाहिए इस काउंटर को, क्योंकि यहाँ पर इलिक्विडिटी है और काफ़ी बिड़ा स्प्रेड में, जिसे हम इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं पर कॉपर में हमने देखा कि 885 के ऊपर के हाइज दिखाकर बाज़ार जो है वो लगभग 810 के करीब क्लोजिंग बाज़ार ने दी है। पिछले हफ्ते हमने कहा था कि 840 की क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रांग है, और ऊपरी स्तरों के लेवल्स हमने टारगेट डिस्कस किए थे, वो अचीव हो चुके हैं, और उसके बाद हमने काफ़ी बड़ी करेक्शन भी देखी है। अब मेरा मानना है कि इमीडिएट तौर पर 795 से 790 के बीच इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और एक रिलीफ रैली हमें 830 से 35 तक दिखाई दे सकती है। वहीं जिंक में हमने काफ़ी उठापटक देखी, जहां प्राइसेस में 376 तक के हाइज लगे, और उसके बाद लगभग 310 तक के लोज भी देखे गए, 318 के करीब की क्लोजिंग आई है। एक शॉर्ट कवरिंग या एक रिलीफ रैली हमें हो सकता है कि 330 से 332 तक देखने मिले, तो नेक्स्ट हफ्ते एक बाय ऑन डिप की रणनीति जिंक में भी अडॉप्ट की जा सकती है। वहीं पर अगर हम देखें तो एलुमिनियम में 325 से लेकर 263 तक के लोज हमें देखे गए, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने मिली, लेकिन जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था वहाँ पर 282 से 283 के करीब की क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। ऐसा लगता है कि ये जो रिलीफ रैली है ये एक्सटेंड होगी या कंटिन्यू होगी। 275 के ऊपर जब तक प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं तब तक बाय ऑन डिप किया जा सकता है, अपसाइड में 291 और उसके बाद 298 तक के टारगेट्स लिए जा सकते हैं, तो एल्यूमिनियम में भी बाय करके चला जा सकता है। तो ये था एक जायजा कि मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले कुछ दिनों में क्या रुख देखने मिलेगा। धन्यवाद। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।